शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सिद्धू भाजी, हाँ जी, 500 के खुले हैं आपके पास? पर एक बात है भाजी, सालों पहले अनाउंस कर दिया था कि जब काला धन वापस आएगा तो सबके अकाउंट में लाखों रुपए आएंगे। ये बताया नहीं कि आपके खुद के ही आएंगे। डब्बा गोल हो गया सबका। पर क्या टाइमिंग है पाजी, हम लोग सोचते हैं हमारी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, आपकी बड़ी बोलने की टाइमिंग है, लेकिन उनकी टाइमिंग देखो आप। पहले शौचालय बनवाए, उनको पता था जिन्होंने करोड़ों रुपए का गबन करके रखा है इनको 10 लगने वाले हैं, तो शौचालय पहले बनवा दिए। पाजी, कल मैंने मुंबई के ATM के बाहर इतनी भीड़ लगी देखी, पता नहीं डाल रहे थे निकलवा रहे थे, कुछ लोग तो बड़े चलाक, पहले तो 10,000 भरते थे, 10,000 एकदम करके बाहर आता ना, अभी लोग बड़े चलाक 500 भी नहीं भर रहे ना, 400 भल के डाल रहे हैं। अच्छा, बैंक वाले भी बड़े चलाक है, आप 400 भरो 1,000 का नोट ही निकलता है, ऊपर लिखा आता कीप द चेंज। अच्छा, एक चीज बड़ी उल्टी हुई है। क्या? कि जिन बीवियों ने 500 1,000 के नोट जमा करके रखे ना पतियों छुप के, उनके पति बड़े भड़क रहे हैं कि और रख, छुपा के तेरे बाप की फोटो लगी थी, छुपा के रख ली थी, अब अपनी माँ को साड़ी बनवा दे 1,000 के नोटों की। हमारी सरकार ने कई जगह पे छूट भी दी है, आप सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग बीमार भी नहीं है ना, वो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। चाचा आओ, तुम्हारी पथरी निकलवा दूं, पथरी तो निकल गई बेटा, तो आओ फिर किडनी निकलवा दूं, किडनी तो बेटा मेरी पूरी है, तो 4 दिन ग्लूकोज पी के आ जाना, चलो चलते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे हमारे देश में लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा करके रखा हुआ घर के अंदर, अब क्या है, अब बैंक में तो डाल नहीं सकते, अब क्या है, जाके रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, ऐसे गरीब रिश्तेदार, उनको बोल रहे हैं कि 1.5 लाख ले लो, मुझे 1.25 दे देना। अच्छा, सडनली गरीब आदमी अमीर हो गया, 1.25 में तो गुप्ते को मना किया, 1.15 लेना तो बोल। अच्छा, पेट्रोल पंप पे देखो कितनी भीड़ बढ़ गई है, ऐसे लग रहा है जैसे पेट्रोल मुफ्त हो गया। अच्छा, जिन लोगों के पास गाड़ियां नहीं, वैसे लीटर लीटर लेके पी रहे हैं। अच्छा, अब जो शादियों में लोग कैश निकलवा के शादियां करते हैं ना, उनका बड़ा काम खराब हुआ है, अब तो जो शगुन डालेंगे वो भी नहीं डाल सकते ना, 5100 10,000। मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में ना, वो स्वाइप मशीनें आने लगेंगी, लड़की का बाप लेके घूम रहा, आपका हो गया कार्ड स्वाइप हो गया, आपका हो गया, आपका नहीं हुआ, माता जी दही भले तो इतने डालें जैसे सारा करा करो इसमें, ऐसा होएगा आप ही चलते। अच्छा, कुछ लोग इतने चलाक हैं, उनको पता है 500 के नोट नहीं चल रहे ना, जाके मंदिर में चढ़ा रहे हैं। अच्छा, कई मंदिरों ने तो लिखे लगा दिया आगे सामने, जिसने 500 चढ़ाया भगवान दुआ कबूल नहीं करेंगे, शराब लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे जितने भी दोस्त बैठे हैं, आपको क्या लगता है, क्या परेशानी हुई है, अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आई एक मोहतरमा आगे आई है। हेलो कपिल। हेलो सिद्धू भाजी। मेरे तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, हम जी. सारी हाउसवाइफ्स गई, हमारी जो चोरियां पॉकेट मनी उसमें से जो छुपा छुपा के रखा था, हम तो बिल्कुल हमारी पोल खुल गई है, बैंक में जाए तो मरे, हस्बैंड को बताए तो मर गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए, किडनी भी कैंसिल होगी हमारी तो। तो आपको इनकम टैक्स का डर नहीं, पति का ज्यादा डर है। छुपा के तो उन्हीं से रखे थे ना अल्टीमेटली। बस चलो, उन्हीं के छुपा के रखे थे ना, उनको बता देती थोड़ी देर पहले तो उनको ज्यादा खुशी होती। पर आप जाके जमा करवा सकती हैं। हाँ जी, वो तो है। उसके बाद भी नहीं अगर आप करवाते तो फिर बच्चों में दे दीजिए, वो बाहर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा पाजी, लोग इतने शातिर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग चलता है इनका। कल ट्विटर पे इतने लोग पागलों की तरह कर रहे थे सब मैसेज, एक ने तो किसी ने मुझे मैसेज किया कि अन्ना हजारे जी ने नाम बदल के अन्ना 2,000 रख लिया। और कोई मेरे दोस्त जी, आप पे तो बहुत असर हुआ लगता है 500 का नोट बंद होने का। हेलो। हाय कपिल जी। जी। और सिद्धू जी का मैं नमस्कार, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। हमारा शरीर देख ही रहे हैं कितना लंबा चौड़ा हूँ। भाजी का बिजनेस करता हूँ, हमारा अच्छा। खाता होता नहीं है बैंक में, कल मैं भाजी बहुत ज्यादा भरा। अच्छा। और 8:30 के न्यूज में मोदी जी हमारे लिए बोल दीजिए 1,500 का नोट नहीं चलेगा। अच्छा। हम लोग सोचा जो सुबह बिकेगा धंधा होगा 100 250, तो सब लोग 1,000 500 1,000 500 लेकर आ रहे हैं, और बताइए कपिल जी हम क्या करें, इतना ना हमारा खाता है ना कुछ है। हम एक स्कीम है ना, आप एक काम करो, कौन सा, 500 रुपए किलो टमाटर बेचो, मैं तो तैयार हूँ देने के लिए। 20-25,000 में 1 किलो भिंडी बेचो, उसके बाद बैंक में जमा करा दो, आपका टैक्स कट जाएगा, आपको फिर भी काफी आ जाएगा। कोई नहीं ले पा रहे हैं,
इसकी वजह से फोन करके आपके शो में आ गया जी। चलू मैं आपका शो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ यादव। प्रभुनाथ यादव, नाम तो बड़ा लंबा है आपका। प्रभुनाथ जी कहाँ से आए वैसे? मलाड़ से। मुंबई के रहने वाले हैं आप? नहीं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम चार भाई हैं। अलग अलग हुए थे कि पिताजी ने खुले कराए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। प्रभुनाथ जी आप मजेदार आदमी हैं, मजेदार बातें करते, तो मैंने थोड़ा हंसी मजाक कर लेता। तीन बहन हैं। अच्छा जी। सबसे बड़े मैं ही हूँ। अच्छा जी। सो स्वीट। पाजी ये चंदू को तो पता ही नहीं होगा 500,000 के नोट बंद हो गए। इनके पास पुरानी अखबार आती है, आपको पता है? इसके दादाजी ने अखबार दी थी, फेंक नहीं रहा, कहता मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है। वो अखबार 1947 से पहले की है। तो मैंने कहा उसको फाड़ दे, कहता नहीं मैंने पार्टीशन नहीं होने देना। इसको तो ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री मोदी है। बहुत पुरानी न्यूज पढ़ता है चंदू। ओ, आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। ये देख लो पाजी, चाय मुफ्त की पीनी होती है। आवाज ऐसे लगा दे जैसे इन्होंने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है। और चंदू, ओ चंदू, जायदाद तेरे को जायदाद सूट करती? तेरे को दाद खाज खुजली सूट करती तू? वो कहीं भी हो सकती है। तेरे को इसलिए बुलाया आज मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुझे कुछ देने वाला हूँ। पैसे कितने तेरे उधार? बोल फटाफट, बोल 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 फटाफट। आप मेरा उधार चुकाना चाहते हैं? मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा। चल फिर रहने दे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप दे देंगे तो फिर विश्वास हो जाएगा। पैसे बोल कितने हैं? यही कोई 450। ये 450-750 मेरे को समझ में नहीं आता। अमीर लोगों को राउंड फिगर ले ले, 450। ये ले 10,000, 1,000 ऊपर से ले। ये 450 का राउंड फिगर 10,000? हाँ। मैं प्लीज मुझे बताइए आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे हैं? यार तू चाय के पैसे रखना, बाकी फर्नीचर ले लेना। ये टायर अच्छे लगते हैं, हटा इनको। क्या चाय की दुकान चला के तूने बेचनी है? तूने फर्नीचर नया लगाया यार तू। नहीं मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब क्या है इन सब का? इनका मतलब है 1,000 के 10,000। मतलब क्या है? क्या मतलब है? एक मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त के बारे में कुछ कहना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस आज इसके पास पैसे आ गए हैं, इसलिए ये मेरे पैसे भी लौटा रहा है। नहीं 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 नहीं, फिर बात मैं बताता हूँ क्या है। आप हाँ जी। Yes, please. IKSK. IKSK मतलब? शारों को समझा करो। तो ठीक है फिर, मैं भी इसके पैसे लौटा देता हूँ, तुम भी इशारों को समझते रहना, ठीक है? Okay. समझदार बने रहना। ये डॉक्टर साहब। हाँ जी। ये आपकी आंख क्यों फड़क रही है? भाई जैसे तुम्हारे थप्पड़ पड़ने वाला तो तुम्हारा कान थड़कता ना ऐसे। वैसे ही जब पैसे आने वाले होते तो आंख फड़कती है। मतलब? बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब मतलब सुनो। हाँ। मैं भी तुम्हें सोचता हूँ पैसे लौटा दो। कितना पैसा होता है तुम्हारा मैं तुम्हें देना है? पक्का पैसे लौटाएंगे आप मेरे? कच्चा पैसे कैसे लौटाते हैं भाई? पक्का लौटाएंगे। कितना पैसा होता है बताओ? यही कोई 450। ये 450-150 मेरे को समझ में नहीं आता। ये ले 10,000 रुपए तक पूरे। लेकिन ये डॉक्टर साहब आपको हो गया क्या है? इसने भी मुझे 10,000 रुपए दे दिए, आप भी 400 के बदले मेरे को 10,000 दे रहे हैं। ये 500 के 1,000 के नोट कहीं लूट के तो नहीं लाया आप? नहीं नहीं, 500,000 के नोटों ने हमें लूटा है। मतलब यार हर बात में मतलब मतलब, किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। 10,000 रुपए ना इसको रखो, ये तुम्हारी दुकान का फर्नीचर चेंज करवा लेना, ये टायर अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए। ऐसे कौन इंफॉर्मेशन देता है भाई? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए, मैं कह रहा था। अब आपको तो हाथ लगाना भी पाप है। डॉक्टर साहब उठो। ये मेरा पेन उधर रह गया था। उधर रह गया था, इधर आओ। फर्नीचर के पैसे क्या? फर्नीचर के पैसे मैंने दे दिए। अच्छा दे दे। तो ठीक है, एसी लगवा लो ना। एसी किधर लगवा? ओपन एयर दुकान में एसी लगवा ले। वो ओपन एयर एसी लगवा ले ना। किधर खर्च करने समझ में नहीं आ रहा इनको यार। बस
बस नहीं, मुझे पता चल गया है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, मेरी दुकान चाहे बंद हो जाए। ये पैसे रख ले, इससे भी बंदी होनी है। मतलब यार तो फिर मतलब बड़ा मतलब ही है तो यार, इस पैसे को रख ले, रख इसको, रख ये पैसे अपने पास रख, ठीक है? तेरी मेहनत की कमाई है ये समझ ले, सुन मेरी बात, खून पसीना किया तूने, ठीक इसको। मेरे खून पसीने की कमाई, गुस्सा आप क्यों हो रहे हैं? अब हम तेरे पैसे नहीं देते तो तू गुस्सा करता था, अब हम पैसे दे रहे तू ले रहा, हम नहीं गुस्सा करेंगे, हम गुस्सा। हाँ भाई हाँ करेंगे, ये रख लूं पैसे, फिर रखना पड़ेगा नहीं तो मुक्का मारना तेरे, रख इसको। ठीक है फिर मैं रख लेता हूँ, थैंक यू माय प्लेयर, थैंक यू भाई, पैसे मिल गए। मिस हो गया, नहीं नहीं मैं ना बम्पर और लॉटरी के पैसे भी देता हूँ, अच्छा इसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? आज तो मैंने ना सारा माल लुटा देना।